हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है, तो इसका सीधा जवाब यह है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है, जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं हमेशा। हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हैवीली प्रेरित। पार्टी बदल लिया साला। ऑलराइट, सो 2023 की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी आदि पुरुष फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, एंड मूवी के रिलीज होते ही मूवी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुकी है। मूवी के मेकर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में मूवी में काफी प्लेंटी मिस्टेक्स कर दिए हैं, एंड साथ ही साथ में मूवी के काफी सीन्स में रामायण को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। दिस इज वाई ऑडियंस मूवी से काफी ज्यादा हेट कर रही है, यहाँ तक कि ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि आदि पुरुष को बैन कर दिया जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो दिस इज व्हाट दैट आदि पुरुष डिजर्व। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे वीडियो में डेफिनेटली पता चल जाएगा, तो वीडियो को फुल वॉच करना। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी आदि पुरुष मूवी के अंदर जिसके वजह से आदि पुरुष मूवी को लेके इतना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग विद आदि पुरुष। मिस्टेक नंबर वन, माता जानकी का अपहरण, वो भी श्री राम के सामने। दिस इज द वर्स्ट क्रिएटिव लिबर्टी ऑफ आदि पुरुष। आई मीन, आप दिखाना क्या चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे कमजोर हैं? मूवी में बस यही दिखाया गया है कि माता जानकी के लिए राघव हमारे श्री राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं, बट वो रीच नहीं कर पाते, एंड रावण उनके आंखों के सामने से माता सीता का अपहरण करके एंड उनको लेके चला जाता है, एंड हमारे श्री राम सिर्फ देखते रह जाते हैं, जो कि पर्सनली मुझे काफी बुरा लगा यार। ये पूरा प्लॉट ही चेंज कर दिया रामायण का अपनी क्रिएटिविटी लिबर्टी के लिए। मिस्टेक नंबर टू, डायलॉग्स। अब देखो, तुम में से कई सारे लोग होंगे जो ब्रह्मास्त्र के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रोल किए होंगे मूवी को उसके डायलॉग्स के लिए। हाँ, मानता हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी के डायलॉग क्रिंज थे, लेकिन उसके विजुअल सिनेमेटोग्राफी के अंदर हम मूवी को डेप्थ में जब देखते हैं तो हम डायलॉग्स को इजिली इग्नोर कर सकते हैं, बट स्टिल काफी लोग ने मूवी को ट्रोल किया था उसके डायलॉग्स को लेके। एंड अगर तुम भी उनमें से हो जो ब्रह्मास्त्र के डायलॉग्स को इग्नोर नहीं कर पाए थे, सो आई डोंट थिंक आप आदि पुरुष मूवी को आधा घंटा भी देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे डायलॉग्स यहाँ पे नहीं, पूरी मूवीज में ऐसे डायलॉग्स हैं, एंड मूवी के डायलॉग्स काफी इनकंसिस्टेंस है। कभी कभी मूवी में काफी डिवोशनल डायलॉग्स बोले जाते हैं काफी पुराने टाइम्स के, लेकिन कहीं कहीं मूवी में छपरी डायलॉग्स भी बोले जाते हैं। एंड आई बेट यू, आप कितने भी न्यूट्रल ऑडियंस, बट आप इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, एंड एक पॉइंट पे जाके आपको ये मूवी काफी ज्यादा इरिटेट करने लग जाती है। एंड इसके बारे में जब मूवी के डायलॉग राइटर से पूछा गया कि मूवी के डायलॉग इतने क्रिंज एंड इतने छपरी टाइप के क्यों थे, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुनो। देखिए, हम सब जो है, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं, मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे जानते हैं और ओम ऐसे जानते हैं, हमारे ये कथा वचन की भी परंपरा है, ये तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथा वचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं, हमारे यहां दादियां नानियां जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। अब देखो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको कौन सी इनकी दादी और नानी ऐसी कहानी सुनाती थी कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। आई एम सॉरी, मेरी भी दादी और नानी है, बट उन्होंने आज तक मुझे कभी इस तरह छपरी लैंग्वेज में रामायण तो नहीं बताया है। आई डोंट नो इनको कोई और रीजन क्यों नहीं मिला ऐसे डायलॉग्स को डिफेंड करने के लिए। नाउ चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बिग मिस्टेक की तरफ, व्हिच इज करेक्टर के साथ छेड़छाड़ करना। अब आप ही बताओ कि क्या जरूरत थी कि रावण को इस तरह छपरी लुक देने के लिए, उसका फुल हेयर कट, बियर्ड एंड साथ में ही उसके सर को ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या ही जरूरत थी। देखो, इन्होंने टीजर में जो सर दिखाया था रावण का हिलता हुआ, वो भी साइड में, भाई वो तो ठीक था, लेकिन ऑडियंस ने उस पर ट्रोल किया, इनको लगा सर को ही ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ऑडियंस ने टीजर के रावण को उसके लुक एंड VFX एंड CGI के लिए ट्रोल किया था भाई, उसके सर को ऊपर कोन की तरह बनाने के लिए नहीं। एंड साथ में ही इन्होंने हनुमान जी को पूरा क्रिंज बना के रख दिया है कॉमेडी शो की तरह। एंड हमने आज तक कभी श्री राम जी को बियर्ड में नहीं देखा था, हमेशा हमने उनको इमेजिन क्लीन शेव में किया था, इनको क्या जरूरत थी उनको बियर्ड एंड फेस में मुस्टेच लगाने के लिए। एनीवे, दीज आर द पॉइंट दैट मेकर्स शुड हैव केयर अबाउट इट। वेल, तुम्हें आदि पुरुष मूवी कैसी लगी एंड आप 10 आउट ऑफ कितना स्टार दोगे आदि पुरुष मूवी को, कमेंट में हमें जरूर बताना। एंड आपका क्या ओपिनियन है हमारे इस पॉइंट्स को लेके, अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में एग्री जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।